कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल का अगर मुंह कहीं उधर हो जाए तो फिर क्या होने वाला है। Someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir. पीओके पर भारत के नेताओं की भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई पड़ रही है। इन पहाड़ों में तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। पीओके शहबाज सरकार से खून का हिसाब मांग रहा है। शहबाज सरकार ने पीओके में शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए पहले आर्मी और रेंजर से गोलियां चलवाई, पीओके में खून की नदियां बहा दी, और अब शहबाज शरीफ को लगता है कि जाने गई लेकिन 23 अरब देने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार पीओके पाकिस्तान से हिसाब लेकर रहेगा। पीओके में सेना और पाक रेंजर्स के खून खराबे के बाद अब यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने ऐलान किया है कि अधिकार मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसका मतलब पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध खत्म नहीं होने वाला। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में सेना और पाकिस्तान रेंजर्स को तैनात कर दिया है। इसका मतलब अब शहबाज सरकार ने पीओके के दमन की तैयारी शुरू कर दी है। इधर पीओके एक्टिविस्ट भारत से मदद मांग रहे हैं, यानी पीओके 1971 की तरह पाकिस्तान से मुक्ति चाहता है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की नफरत अब खुलकर सामने आ गई है। भारत और पीओके से पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही आवाजों के बाद पीओके में कत्लेआम करवाने वाली शहबाज सरकार बैकफुट पर है। पहले शहबाज शरीफ के आदेश पर सेना और रेंजर्स ने पीओके में गोलियां चलाई, और अब बगावत आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद शहबाज शरीफ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जाहिर सी बात है, असलियत समझते समझते शहबाज शरीफ ने बहुत देर कर दी है, और अब पीओके और पाकिस्तान के बीच जो खाई बन गई है वो कभी नहीं भरने वाली। फिलहाल पाकिस्तान को भले ही पीओके भारत में चुनावी सीजन में उठने वाला मुद्दा लग रहा हो, लेकिन भारत की संसद भी इसे लेकर संकल्प ले चुकी है, यानी पीओके को भारत पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा कर रहेगा। ये तय है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। पीओके की बगावत और भारत का संकल्प संकेत दे रहा है कि पीओके को अब बहुत दिनों तक पाकिस्तान के जुल्म नहीं सहने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।